नमस्कार, पहले से कर रखा है आपको मैंने। सत श्री अकाल सिद्धू भाजी। सत श्री अकाल हजूरे वाला। पारी, मैंने बताया था कि हमारे शहर में लोग खाते पीते बहुत हैं और इनका असली टैलेंट तब पता चलता है जब ये लोग किसी की शादी में जाते हैं। 200 रुपया शगुन डालते, 5 मेंबर घर से चले जाते हैं। एक एक आदमी 150-150 के पनीर के पकौड़े खा जाता है। इनको पता होता है कि हाई लेवल वाली सब्जी पनीर ही है। उसके बाद बारी आती खाना खाने की। खाना खाते नहीं, उड़ाते हैं ये लोग। खाने के बाद नींबू पानी पियेंगे ताकि पहले वाला पच जाए, एक शिफ्ट और लग जाए। बच्चे पाजी, तौबा तौबा, मैं तो कहता हूं अगर शादी में तलाशी लेने का रिवाज शुरू हो जाए ना, तो आपकी शादी में अगर 50 बच्चे आए हैं तो इनकी जेब में टटोल लो आप, 20-22 किलो बर्फी निकल आएगी। बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा अजीब मेरे लाला रोशन लाल जी, इनसे ज्यादा अजीब करेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ा सा पेट है, बदतमीज, कोरे, अनपढ़, कोई पता नहीं कौन सी बात कहां पे करनी है। छोटा सा बर्तन लेके दूध लेने चले गए। भाई 1 लीटर गाय का दूध देना। बोले लाला जी लेकिन आपका बर्तन तो बड़ा छोटा है। कोई बात नहीं, फिर बकरी का ही दे दो। अजीब अजीब हरकतें करते हैं। लाला जी फिल्में देखने के बड़े शौकीन है। एक दिन निशब्द देख के आ रहे थे। मैंने कहा लाला जी कैसी लगी निशब्द? बोले अच्छी फिल्म है, सभी ने अच्छा काम किया है। मैंने कहा अच्छा, खैर अमित जी का काम कैसे लगा? कौन अमित जी? मैंने कहा भाई अमिताभ बच्चन साहब। तो फिर ऐसे बोलो ना, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी बुआ का लड़का है। मैंने कहा ये बताओ आपको उनका काम कैसे लगा? उनका काम अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा काम है। अपने बच्चों की शादी कर दी है, दूसरी की बच्चियों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैंने कहा लाला जी सुना है अमिताभ जी ने उसमें गाना भी गाया है। भाई अगर पूरी फीलिंग मिले फैसिलिटी के साथ, गाना तो अपने आप मुंह से निकलता है। मैंने कहा खैर लाला जी आपको फिल्म से शिक्षा क्या मिली? शिक्षा यही मिलती है कि सब्र करो, अगर भगवान ने किस्मत में ऐश लिखी है ना तो 60 के बाद भी हो ही जाएगी। अच्छा पाजी, ये रिचर्ड गेयर जब से भारत में करतूत करके गए हैं, पप्पियां लेके गया, इनको भारत अच्छा लगने लगा। अब अक्सर भारत आते जाते रहते हैं, थोड़ी सी हिंदी भी सीख गए हैं, समझ लेते हैं थोड़ी बहुत। तो हमारे अमृतसर घूमने आ गए अपने बीवी बच्चों के साथ। तो हमारे शमशेर भाई, वही पुलिस वाले, रोबदार, मूछे, अंग्रेजी में हार्ट टाइट, उनको मिल गए। अब पाजी मैं बता दूं कि पंजाबियों का रिश्ता अंग्रेजी के साथ कैसा होता है। कत्ल कर देते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी का इनके साथ बिल्कुल वैसा रिश्ता होता है जैसा एक पति का अपनी पत्नी के साथ। मतलब प्यार तो बड़ा करते लेकिन कंट्रोल में नहीं होती। अब शमशेर भाई को किसी ने बता दिया कि रिचर्ड गेयर अंग्रेज गोरा, ये वही है जिसने शिल्पा को किस किया था। फिर क्या शामत आ गई उसकी, बुला लिया उसको। हेलो इधर आओ भी, अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ, इधर आओ, चलो मुर्गे बन जाओ। What happened? मैं what's wrong with you? मैंने क्या किया है? अभी तो मैं मुर्गा बनने के लिए बोल रहा हूँ, शुक्र करो। अगर मैंने अंडा देने के लिए बोल दिया वो भी देना पड़ेगा। आपको तमीज नहीं है, हमारे साथ लेडीज है, आप ऐसा बोल रहे हैं? लेडीज है? ओहो, एक तो आप जेंट्स कौन, लेडीज कौन, पता नहीं चलता। चलो ऐसे करो, जेंट्स तुम मुर्गे बन जाओ, लेडीज मुर्गी बन जाओ, चलो। What happened? हमने किया क्या है? किया क्या है? ये चुम्मी क्या समझ के ली थी? What चुम्मी? चुम्मी, चुम्मी, ये क्या समझ के ली थी? तुम लोग क्या समझते हो, हमें चुम्मी लेना नहीं आता? अगर हम लोग अपनी औकात पे आ गए ना तो चुम्मी नहीं हमारा, चुम्मा होता है, चुम्मा। 30 से 35 मिनट का चुम्मा होता है, और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग से। Oh God, ये चुम्मा नहीं था, वो चुम्मा नहीं था, वो हमारा नमस्ते करने का स्टाइल था। जैसे आपके इधर इंडिया में नमस्ते, उधर हमारा चुम्मी, जैसे अमेरिका का नमस्ते था। ओए होए 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 होए, ये तुम्हारी नमस्ते थी? ओए कंजरो, तुम्हारी बाय बाय कैसी होती होगी? ये आदमी जैसी औरत, ये कौन है? What is this lady? She is my wife. अब एक लफ्ज का पता चल जाता है ना जब वाइफ, तो एक लफ्ज का मतलब निकाल लेते हैं, बाकी की सारी स्टोरी उसके आसपास खुद ही बना लेते हैं। उन्होंने बोला वाइफ, पता चल गया। वाइफ भाभी है? हमारी भी भाभी से फिर नमस्ते नमस्ते कराओ कोई, फिर है? नमस्ते का गलत मतलब निकाल रहा है। ओके रिचर्ड गेयर ने कहा, ओके से नमस्ते टू हिम। एक मिनट, सबके सामने ही। खैर ये बताओ, ये छोटे छोटे हंसी मजाक किसके हैं?
What hasi mazak? These are my children's, Harry and Mary. Harry, Mary. Ye marriage ke pehle ke matlab baad mein. What do you mean? Nahi, jaise aap samjhe nahi, matlab jaise ye Harry, Mary agar India mein karne ho na, to iske liye badi mehnat karni padti hai. License lena padta hai. Jaise aap ladka dhundo pehle, ladki dhundo, kundli mundli milao. दहेज वगैरह 10-12 लाख रुपए मतलब काफी फैसिलिटीज चाहिए तो मेरे ख्याल से तुम्हें तो इतनी फैसिलिटीज नहीं चाहिए तुम्हें तो मौका ही चाहिए बस है खैर ये बताओ ये दूसरे देशों में जाके चुम्मियां लेने के सिवाय और क्या क्या करते हो I am an actor. आपने कभी हॉलीवुड का फिल्म नहीं देखा नहीं नहीं मैं आपकी फिल्में नहीं देखता आपकी फिल्मों में तो नमस्ते ही बड़ी होती है लंबी लंबी नमस्ते एक बात बताओ ये गंदी फिल्में क्यों बनाते हो What गंदी फिल्म आप हमारा हॉलीवुड का टाइटैनिक देखो कितना साफ सुथरा अच्छा फिल्म है टाइटैनिक साफ सुथरी फिल्म है जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था भगवान का खौफ करो इतने गहरे पानी में इतने गंदे गंदे काम करते हो जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही ओके लिव इट आप हमारा मम्मी रिटर्न देखो मम्मी रिटर्न डैडी रिटर्न क्यों नहीं बनाई पर तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं भाई तुम्हें तो मम्मी का ही पता डैडी तो तुम्हारे बदलते रहते हैं आर यू मैड या सेल्फ मेड पंजाब पुलिस अपने दम पे भर्ती हुए भाई तुम्हारे जैसे नहीं है ओके आई वांट टू गो बैक वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज अनदर हिस्टोरिकल प्लेस इन अमृतसर Yeah. What is another historical place in Amritsar? Punjab, Jalandhar, Ludhiana, very big city. Oh my God! Will you please tell me where is airport? Airport. मतलब जहाज. How many days in जहाज? What? How many days? नहीं नहीं मतलब जैसे ये इंडिया है, तो ये अमेरिका है. तो इंडिया में जहाज से बैठे आप, तो ये अमेरिका. तो इंडिया से अमेरिका हाउ मेनी डेज आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज हमें आपका भाषा नहीं आता हमारी भाषा नहीं आती हमारी पपियां लेनी आती हैं ऐसा करो गोरी चमड़ी वापस निकलो अमेरिका और रास्ते में किसी को नमस्ते नहीं करनी ठीक है और एक बात ध्यान से सुनो हमारी मां बहनों पे बुरी नजर रखनी छोड़ दो नहीं तो इमरान हाशमी को अमेरिका छोड़ आएंगे तुम्हारी मां बहन एक कर देगा वो अब रिचर्ड गेयर का इतना बुरा हाल किया उन्होंने शमशेर भाई रातों रात सुर्खियों में आ गए उन्होंने किसी टीवी चैनल वालों ने बुला लिया बाजी एक प्रोग्राम आता है ना जनता की अदालत शायद कुछ वो गंजे से एंकर है यहां से उठा के बाल यहां से उन्होंने बुला लिया रजत पर जनता की अदालत में आज हमारे बीच है पंजाब पुलिस के ASI शमशेर जी तो शमशेर जी जनता की अदालत में आपका स्वागत है आप पहले आदमी है जो हमारा स्वागत कर रहे हैं नहीं तो हमारा चेहरा देख के लोगों को मौत पड़ जाती है शमशेर जी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ मैं जी पंजाबी आदमी हूँ और मेरा जन्म अमृतसर में हुआ था वेरी गुड आप हमारे दर्शकों को अमृतसर के स्पेलिंग बताएंगे शायद गलती लग रही J&K में हुआ था जी खैर छोड़िए हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं आप सबसे पहले ये बताइए जनता का आप पर आरोप है कि आप पहले थप्पड़ मारते हैं फिर जुर्म पूछते हैं नहीं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम लोग तो सिर्फ थप्पड़ ही मारते हैं जुर्म तो हमने कभी पूछा ही नहीं खैर जनता का आप पर यह आरोप है कि आप ड्यूटी के टाइम शराब पीते हैं भाई ये हम शौक से थोड़ी पीते हैं मजबूरी में पीनी पड़ती है अब इतनी शराब पकड़ ली सारी तो बिकती नहीं बाकी पीनी पड़ती है आप पर आरोप है कि आप भालू को भी जबरदस्ती शेर बना देते हैं नहीं ये आरोप थोड़ी हुआ ये तो फिर टैलेंट हो गया ना आप पर आरोप है कि आप हमेशा वारदात के बाद पहुंचते हैं मैं तुम्हारा भी दिमाग खराब है वारदात के पहले पहुंच जाएंगे वारदात कैसे होगी जिसके